बड़ी ईद से पहले बड़ी ईदी, वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोल सस्ता करने का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 20 पैसे फी लीटर की बड़ी कमी। डीजल भी सस्ता, फी लीटर कीमत में 2 रुपये 33 पैसे कमी। लोग सस्ता पेट्रोल मिलने पर खुश। वज़ीर-ए-आज़म ने सनअतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी कर दी। सनअत और बरामदात के शोबे में बिजली की कीमत 34 रुपये 99 पैसे मुकर्रर। नेप्रा ने सनअतों के लिए बिजली कीमतों में कमी की तजवीज़ दी थी। ताजिर बरादरी और सनअतकारों का दरीना मुतालबा पूरा हो गया। बजट के बाद आवाम को पहला झटका, हुकूमत ने आवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट महंगी। औसत बुनियादी टैरिफ 29 रुपये 78 पैसे से बढ़कर 35 रुपये 50 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। टैरिफ में इजाफे की मंजूरी माली साल 2024-25 के लिए दी गई है। नेप्रा ने टैरिफ में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले से छुट्टी। मेगा इवेंट में पाकिस्तान का सफर पहले ही राउंड में तमाम हो गया। फ्लोरिडा में शदीद बारिश के बायस अमरीका और आयरलैंड का मैच मंसूख। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाली अमरीका की टीम सुपर 8 में पहुंच गई। अफगानिस्तान, भारत और ऑस्ट्रेलिया भी सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। वेस्ट इंडीज, जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश भी सुपर 8 में पहुँच चुके। नाराजगियां खत्म करने का मिशन, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी सरगर्म। मोहसिन नकवी की 24 घंटे में 3 अहम मुलाकातें, जल्द बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। वजीर आजम बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान से मोहसिन नकवी के राबते। सदर आसिफ अली जरदारी से ऐवान सदर में मुलाकात। बजट के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। मोहसिन नकवी का कहना था कि इत्तेहाद और यकजहती के साथ हर चैलेंज से निपटा जा सकता है। मिनिमम सैलरी हम रखना चाह रहे हैं वो 37,000 रुपये हो, तो हमने क्या किया है कि ग्रेड 1 से 6 की 30% तनख्वाह बढ़ाई है। ग्रेड 7 से 16 की तनख्वाह हम 25% बढ़ा रहे हैं। 17 से ऊपर उनकी हम 22% उतनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। हम पेंशन्स हैं उसमें 15% का इजाफा पेंशन्स में भी कर रहे हैं। तनख्वाहें बढ़ाने में सिंध बाजी ले गया। ग्रेड 1 से 6 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा। ग्रेड 7 से 16 तक तनख्वाहों में 25% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाहों में 22% इजाफा। पेंशन में 20% इजाफा तजवीज़। मजदूर की कम अज़ कम महाना तनख्वाह 37,000 रुपये मुकर्रर। 30 खरब 53 अरब रुपये के बजट में विफाक से 1900 अरब रुपये मिलने का तखमीना। सेहत के लिए 300 अरब, सब्सिडीज कीमत में 116 अरब रखने की तजवीज़। ट्रांसपोर्ट के लिए 56 अरब और किसानों को हरी कार्ड देने के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस। सिंध के बजट में भी टैक्सों की भरमार। पहले से लागू टैक्स में भी इजाफा। 76 अरब 80 करोड़ रुपए के नए टैक्स नाफिज। अंदरूनों बैरूने मुल्क के फजाई टिकट्स, हर किस्म की इंश्योरेंस बशमूल हेल्थ, लाइफ, अमलाक और फसलों की इंश्योरेंस पर टैक्स लग गया। रियल एस्टेट में ज़मीनों, दुकान या फिर फ्लैट्स पर 2% टैक्स की तजवीज़। निजी शोबे में चलने वाले कई कारोबारों पर टैक्स आयद। पेट्रोल पंप्स, CNG स्टेशन पर टैक्स में इजाफा। फार्म हाउस, एजुकेशन, प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक और गेस्ट हाउसेस पर भी टैक्स। किसी भी कारोबार पर 2,000 रुपये सालाना टैक्स देना होगा। सिंध हुकूमत ने गाड़ियों पर टैक्स फीस में इजाफा कर दिया। 3,000 CC से ऊपर वाली कारों पर 4.5 लाख टैक्स नाफिस करने की तजवीज़। 2,000 CC गाड़ियों पर 2,75,000 रुपये, 1,500 CC इंपोर्टेड गाड़ियों पर 1,00,000 रुपये टैक्स की तजवीज़। मकामी तौर पर बनने वाली 2,000 CC की गाड़ियों पर 50,000 रुपये, 1,500 CC गाड़ियों पर 25,000 रुपये टैक्स लगाने की तजवीज़। रजिस्टर्ड गाड़ी फरोख्त या ट्रांसफ़र पर 1,000 रुपये टैक्स लगेगा। शहर कायद के लिए बजट में बड़े पैकेज का ऐलान। उजड़े दयार की किस्मत संवारने की उम्मीद। बलदियाती इदारों के लिए 160 अरब रुपए मुख्तस। पानी की फराहमी और नई नहर की तामीर के लिए 5 अरब रुपए तजवीज़।
मलीर एक्सप्रेस कोरंगी में इनक्लेव और कॉम्प्लेक्स के लिए 5 अरब रुपये मुख्तस, कराची सर्कुलर रेलवे के लिए 45 मिलियन रुपये रखे गए हैं। इसको अभी हमारे साथ कर रही है लोड शेडिंग की कि बिजली है भी तो नहीं है, वो हम उनसे निपट लेंगे, वो निपटना आता है हमें, वो लाइट काटेंगे हम उन्हें काट देंगे। एक दोस्त के घर गया तो दोपहर का टाइम था, अंधेरा था, घर में पंखा भी नहीं चल रहा था गर्मी में, तो मैंने कहा लाइट नहीं, कहते नहीं है, मैंने कहा क्यों नहीं चला रहे, कहते बच्चों को आदत हो जाती है लाइट की, फिर कहते हैं कि बिजली चलाओ, तो मैं इनको आदत डाल रहा हूँ कि बगैर लाइट के रहो। तकरीबन 26 लाख खानदान सिंध के ऐसे हैं जिनके पास जो नेशनल ग्रिड से कनेक्टेड ही नहीं है, कम से कम 25 अरब रुपए और मेरा ख्याल इससे ज़्यादा ही होगा हम इन्वेस्ट करेंगे फॉर पीपल हु डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी हियर। डिस्को से निमटना आता है, वो बिजली काटेंगे हम उन्हें काट देंगे, वजीर आला सिंध का हल्के फुल्के अंदाज में तकसीम कार कंपनीज को सख्त पैगाम, कहा डिस्कोस लोड शेडिंग करके सिंध से अच्छा सलूक नहीं कर रही, मेरा दोस्त पंखा इसलिए नहीं चलाता कि कहीं बच्चों को बिजली की आदत ना पड़ जाए। वजीर आला सिंध का 26 लाख घरों को मुफ्त सोलर पैनल देने के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान। 25 लाख घर जो है वो पाकिस्तान सिंध की आवाम को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बना के दे रही है। बिलावल भुट्टो सरदारी साहब के खुसूसी हिदायतें थी गरीब लोगों को गांव या उनके घर जो है वो सोलराइज किए जाएं, उसके लिए भी खास तौर पर वो पैसे रखे गए हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए जो तनख्वाहदार तबका है उस पर खुसूसी फोकस किया गया है। सिंध बजट में 21 लाख घरों की तामीर सबसे बड़ा मंसूबा है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि सोलर प्रोजेक्ट से सस्ती बिजली की फराहमी दूसरा बड़ा मंसूबा है। बजट में तनख्वाहदार तबका तरजीह रहा, बजट में गरीबों का खास ख्याल रखा गया है। ये मसला इस मुल्क को बदकिस्मती है कि मौलवी तमीजुद्दीन के केस से शुरू हुआ जिसमें मुख्तलिफ इदारे नाम लेना मुनासिब मुलव्वस है। 2-3 दिन पहले जब एक जज साहब का इस बारे में कंप्लेंट देखी तो उन्होंने वो तमाम वाक़ियात जो उनके साथ पेश आए उनको बयान करने के बाद आखिर में लिखा इनमें से किसी भी एकदम से खौफजदा नहीं, इनकी किसी ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होना, किसी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े उससे द्रोह नहीं कर रहा। ये जो इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है जुडिशरी की ये बहुत जल्द इसका खत्म। अदलिया स्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत से जान छुड़ाने की जद्दोजहद कर रही है, यकीन है इदारों की मुदाखलत जल्द खत्म होगी। स्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत रोकने के लिए बहादुरी से मुकाबला करना होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कहते हैं किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, हर कुर्बानी देंगे। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद कहते हैं कि 2 दिन पहले एक जज ने शिकायत की और पूरा वाक्य सुनाया, मुदाखलत करने वाले इदारों का नाम लेना कसूर नहीं। सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की ऑडियो लीक नहीं हुई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तकरीब अहला फरदारी से खिताब, कहा आईटी स्टाफ ने बताया कि ऑडियो में कुछ आवाज़ें अदालत से नहीं हो सकती। जस्टिस अथर मनल्ला ने कहा कि ऑडियो लीक हुई तो इसमें बुराई क्या है, ये खुली समात में होने वाली गुफ्तगु थी। सेनेट इजलास में डॉक्टर जरका और नासिर बट में तल्ख जुमलों का तबादला। डॉक्टर जरका ने कहा कि हम अपने असासे मुल्क में लेकर आए जबकि ऐसे हुक्मरान मुसल्लत किए गए जो पैसे बाहर लेकर गए। डॉक्टर जरका की तकरीर के दौरान ऐवान में हंगामा और शोर शराबा। सेनेटर नासिर बट ने कहा कि ये बजट पर नहीं जातियात पर बात कर रही हैं, चुप कराया जाए, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने डॉक्टर जरका का माइक बंद कर दिया। बिलावल भुट्टो से खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आला महमूद खान की मुलाकात। महमूद खान ने मुल्की इस्तेहकाम के लिए पीपल्स पार्टी के किरदार को सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से के पी असम्बली के अरकान भी मिले। मुलाकात में गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी भी मौजूद थे। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान की CMH पेशावर आमद, JUI वाना के अमीर मौलाना मिर्जा जान की अयादत की। मौलाना मिर्जा जान गुज़श्ता रोज़ फायरिंग से ज़ख्मी हुए थे। टिकटॉक का जुनून जानलेवा बन गया। सिंध के इलाके कंडियारों में 2 बहनें टिकटॉक बनाते डूब गईं।
18 साल राबिया और 13 साल आयशा की लाशें नहर से निकाल ली गईं। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी 252वें रोज भी जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली फौज के गजा में हमलों में 34 फलस्तीनी शहीद, 71 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से गजा में इसराइली फौज के हमलों में 37,266 अफराद शहीद, 85,102 जख्मी हैं। इसराइली फौज ने अलबरेज कैंप, रफा, खान यूनस, जबालिया समेत मुतादिद मकामात पर बम बरसा दिए। सहूनी फौज ने रफा पर हेलीकॉप्टर, लड़ाका तैयारों और ड्रोन से हमले किए। सहूनी जारहियत के शिकार फलस्तीनियों के लिए इमदाद की एक और खेप रवाना। अद्वियात, हिफ्जान सेहत के किट्स, राशन बैग्स पर मुश्तमिल खेप में 300 टन इमदादी सामान शामिल। कराची पोर्ट से सामान उर्दन की अकबा पोर्ट पहुंचाया जाएगा। NDMA और अलखिदमत फाउंडेशन के नुमाइंदे तकरीब में मौजूद थे। मनासिक हज की अदायगी शुरू हो गई। हज का रुकन आजम वकूफ अरफा आज अदा किया जाएगा। आज़मीन हज रात वादी मीना में गुजारेंगे, सुबह मैदान अरफात जाएंगे। खुतबा हज सुनने के बाद जहर और असर की नमाज एक साथ अदा करेंगे। 9 ज़िलहज को मगरिब के वक्त हुजाज कराम अरफात से मजदलफा जाएंगे, जहां वो मगरिब और ईशा की नमाज एक साथ अदा करेंगे। हुजाज कराम 10 से 12 ज़िलहज के दौरान तवाफ़ ज़ियारत और सई करेंगे। ईद पर बादल बरसेंगे, मौसम सुहाना होगा। खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में जलथल एक होगा। लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। जनूबी पंजाब और सिंध में भी बादल बरसेंगे। बारिशों का सिलसिला 22 जून तक जारी रहेगा। NDMA का अलर्ट जारी। शुमाली इलाका जात के सफर से गुरेज की हिदायत। बड़ी ईद में 2 दिन रह गए। मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। छोटे बड़े शहरों की मंडियों में खरीदो फरोख्त में इजाफा। हर किसी को मनपसंद जानवर की तलाश। कीमतें ज्यादा होने पर लोगों की इज्तमाई कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने को तरजीह। ईद अपनों में मनाने के लिए परदेसियों की आबाई घरों को रवानगी। शहर शहर लारी अड्डों पर मुसाफिरों का रश। ट्रांसपोर्टर्स ने मुसाफिरों को दोनों हाथों लूटना शुरू कर दिया। मुसाफिर ट्रांसपोर्टर्स को मुंह मांगे किराए देने पर मजबूर।